हुमायूं नगर पुलिस ने डकैतियां अंजाम देने वाली टोली के 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी मफरूर बताया गया। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने गोलकुंडा के रॉडशीटर 34 साल मोहम्मद फेरोज, बंजारा हिल्स के रॉडशीटर सैयद मजीद उर्फ बंगाली उर्फ डॉक्टर के अलावा मासाब टैंक के रहने वाले मोहम्मद मिनहाज को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी वहीद जो गोलकुंडा का रॉडशीटर है फरार हो गया। उन्होंने बताया कि उन चारों मुलजमीन का मुजरिमाना पस मंजर है और उनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में केसेस भी दर्ज है। उन्होंने बताया कि मुलजमीन शराब नोशी के अलावा दूसरी नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं और वो जेल की सज़ा भुगतने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने बताया कि मोहम्मद फेरोज़ उर्फ नारवा और उसके साथी फर्स्ट लैंसर के कब्रिस्तान में अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं। इसके अलावा उन्हें गैर कानूनी हरकतें भी वहीं अंजाम देते हैं। वो रात के औकात में इलाके में अपने खंजर के साथ घूमते हुए लोगों को डराते धमकाते और डकैतियां अंजाम देते हैं। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से 3 मोबाइल फ़ोन, 1 पैसेंजर ऑटो रिक्शा, 1 खंजर के अलावा नकद रकम 500 रुपये भी बरामद कर लिए। के पास एक ऑटो चोरी करके ऑटो ड्राइवर के पास जो मोबाइल फोन और उसके पास थोड़ा पैसा छीन के डरा के उसी ऑटो से फिर वो लोग 11:30 बजे सरोजनी देवी हॉस्पिटल हुमायूं नगर लिमिट्स में वहां पे आके दूसरे एक ऑटो ड्राइवर के साथ झगड़ा करके बड़ा चाकू दिखा के डरा के धमका के उसके पास से एक मोबाइल फोन और 600 रुपया वहां से रॉबरी करके भाग गए। उसके बाद में पिछले 2 दिन में ये पूरा एक 2 टीम फॉर्म करके ACP और उनके 2 इंस्पेक्टर्स, एडिशनल इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हुमायूं नगर और क्राइम टीम पूरे मिलके ये 4 लोगों को आज गिरफ्तार करे, इनको आज अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को आज भेजा रहे। इनके पास अरेस्ट के समय जो चाकू उन्होंने उस समय इस्तेमाल किया ये रॉबरी में वो रिकवर करे, उसके अलावा 4 मोबाइल और 800 रुपये भी उनके पास से रिकवर करे। इन चारों को आज अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी को भेजा रहे। ये चारों लोग इससे पहले भी तरह तरह के ऑफेंसेस में इन्वॉल्व रहे, अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी, डकैती, अटेम्प्ट टू रेप, इस तरह के बड़े क्राइम्स में ये लोग इन्वॉल्व है। ये खतरनाक मुलजिम है, इससे पहले ये लोग भी इसी तरह के ऑफेंसेस करते रहे और अभी ये 2 ऑफेंसेस जो रिसेंट ऑफेंसेस है इसको नजर रखते हुए इन 3 लोगों को PD एक्ट प्रपोजल्स भी भेजा के इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी इनका प्रपोजल्स हम लोग अभी बना रहे हैं।